बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। तो आज का जो है ना वो रिव्यू थोड़ा सा सस्पेंस वाला, सरप्राइज़ वाला है, क्योंकि अचानक ही बस मेरा दिल किया मैं ये वाला मंगवा लूँ और मैंने मंगवा लिया ये पैकेज। तो यहाँ पे मैंने पैकेज ओपन कर रही हूँ। तो जी ये आप देख लें भाई, ये जो है ना स्नैकिंग वाला खाने पीने की चीज़ है। तो खाने पीने की चीज़ किसको नहीं पसंद। तो जो फिटनेस फ्रीक होते हैं ना, या जिनको होता है भाई मेरा वेट लूज़ हो जाए, मैं कुछ अच्छा अच्छा सा खाऊं जो हो भाई थोड़ा हेल्दी भी हो, तो ये है जी न्यूट्री लव के ग्रैनोला बार्स हैं और उनके होल ग्रेन सीरियल्स हैं। सबसे पहले जी क्रंची सीरियल में मैंने ऑर्डर किया भाई ये कोकोनट एंड आलमंड फ्लेवर। अच्छा, इसमें आप जो है ना 6 के भी एक साथ भी ऑर्डर कर सकते हैं या सेपरेटली एक एक भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी ये रेडी टू ईट होल ग्रेन ग्रैनुला है। इसमें जी फाइबर है, प्रोटीन है, और मैंने इसको जो है ना ऐसे ट्राई किया था। अच्छा, इसमें जो है ना आपको लिखा हुआ है आप एब मिल्क ऐड कर सकते हो या योगर्ट ऐड कर सकते हो, इसी कप में आप इंजॉय करें और खाएं। ठीक हो गया। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ऐसे ही एक स्पून खा के देखा। जो कोकोनट और आलमंड फ्लेवर है, ये ब्लू कलर का, हम लोग ब्लू कलर कहेंगे इसको, वो जो है ना मुझे ऑयली लगा। ऑयली शायद इसमें जो है ना नट्स को और कोकोनट को टोस्ट किया गया होगा, इसलिए वो ऑयली आ रहा होगा। मुझे वो ऑयलीनेस नहीं अच्छी लगी, मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे जो है ना मतलब मज़ा नहीं आया इसको इस तरह से लेकर। पहले मैंने कहा इनको रॉ ऐसे खा के देखा जाए। अच्छा, बेरी बेरी फ्लेवर, बेरी बेरी फ्लेवर को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ ना, तो मुझे ये बेरी बेरी फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, हो गया। लेकिन पहले हम जो है ना, मैंने सोचा कि पहले जो है ना ये जो स्नैक बार्स है मैं ये ओपन कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनकी बात कर लेते हैं स्नैक बार्स की। मुझे जो है ना कोकोनट फ्लेवर पसंद है, मुझे कोकोनट वैसे भी हर चीज़ में मुझे कोकोनट बहुत पसंद है। तो मैंने चॉकलेट चिप और कोकोनट वाला फ्लेवर ऑर्डर किया था। इसमें और भी बहुत सारे फ्लेवर्स होंगे इनके पास, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मैं वही बताऊँगी आपको। तो इसकी कैलरीज 137 इसकी कैलरीज है पर बार में होगा। ठीक है, तो ये जो है ना इन्होंने कहा है कि भी 100% नेचुरल एनर्जी है इसके अंदर। अच्छा, मैंने इसको ना उस वक्त ऐसे ही खा के देखा तो मुझे इतना वो नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको जब फ्रिज में रखा, फ्रिज में रखने के बाद जो है ना वो जब बिल्कुल चिल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो फिर मज़ा थोड़ा दे रहा था। तो वैसे इसमें ओट्स हैं तो कोकोनट और हनी से मिक्स किया हुआ। अच्छा, ये हनी और शुगर जो है ना इन तीनों में मुझे फ़ील हुआ है कि है। तो जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, तो वो मुझे लगता है ये नहीं ले सकेंगे। अगर आपका शुगर का इंटेक बहुत कम है और लेकिन अगर आपकी शुगर लो होती है या आपको फ़ील हो रहा है भाई आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया हुआ इस तरह उस तरह का, तो फिर अगर आप इसमें से लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाफ़ बार ले लें, फुल बार लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद आया है। लेकिन अगर आपके बच्चों को वीट एलर्जी है या आपको किसी को वीट एलर्जी है, तो फिर वो भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें वीट भी है। ठीक हो गया। तो वैसे थे बहुत मज़े के। इसमें एक्सपायरी डेट इनकी लिखी हुई है और ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है इसमें। और इसके अंदर कितने बार्स है, इसके अंदर टोटल 6। ठीक हो गया, 6 इसके अंदर बार्स हैं और इसमें जी न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं और ये सर्विंग इसकी 6 सर्विंग्स हैं। ठीक है, अगर 6 सर्विंग्स ना मैं अगर इसको हाफ भी लेती हूँ तो फिर मतलब मेरे अच्छे खासे दिन चले जाते हैं। प्राइस भी इनकी नॉर्मल है, सही है इसकी ना, मतलब अगर मैं ये सारी जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं ये अगर मैं लूँगी तो फिर मुझे ये 8 दिन ये मुझे लास्ट कर जाएगा। तो मैंने बार्स भी इसके वैसे हाफ लिए थे। यहाँ पर मैंने ASMR भी इसका रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, पर शोर इतना ज़्यादा था कि ASMR में रिकॉर्ड शोर जो है ना उसके साथ रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो जी ये मैंने इसका ओपन कर लिया। ऐसे मैं बना वैसे बहुत ही अच्छा था, लेकिन चलें जी अब ये मैंने इसका ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये जी पहले जो है ना ये ऐसे ही पड़े हुए थे तो इसको मैंने ऐसे ही खा के देखा। अच्छा, इसकी जो मज़े की बात लगी है ना, चॉकलेट जो इसमें चॉकलेट चंक्स है ना वो बहुत ही मज़े का लगते हैं। जैसे ही वो आपके माउथ में मेल्ट होता है ना, उफ बहुत ही मज़े का लगता है उस वक्त। ठीक है, ओके। लेकिन साथ में ना जो ओट्स हैं और जो इसका है सारा वीट और ओट्स का जो भी इसका मिक्सचर बना हुआ है, तो वो इतना मज़े का नहीं लग रहा होता। तो वो जो है ना सबसे पहले आपको ना ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको रखनी पड़ेंगी फ्रिज में, ये बहुत ही ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए, तो फिर आप लें। अब बात करते हैं जी क्रंची बेरी की। ये मुझे बहुत मज़े का लगा। अगर इन तीनों चीज़ों में से मुझे दिल करे कि मैं इसमें से क्या चीज़ दोबारा लेना चाहूँगी तो मैं इसको लूँगी, क्रंची ब्लास्ट, बेरी ब्लास्ट जो है ना मैं इसको लूँगी। अच्छा, इसमें मैं इनसे कहूँगी भाई जी ड्राई जो आप स्ट्रॉबेरीज का इसमें आपने डाला हुआ है ना, बहुत ही वो फैंटेसाइज करने के लिए, तो ना उसको जो है ना मतलब इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मेरे मतलब मेरे पास इस बोल में, इस कप में सिर्फ़ और सिर्फ 2 थे
जो स्ट्रॉबेरीज़ के, ड्राई स्ट्रॉबेरीज़ के जो चंक्स थे वो दो थे, तो उसको ना ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए। ये मैं इसको फीडबैक दूंगी कि ना स्ट्रॉबेरी चंक्स की जो है ना इसमें क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई जाए। वैसे ओवरऑल अगर मैं इसको ब्लू कलर के साथ कंपेयर करूँ तो ये वाला जो है ना बेरी ब्लास्ट, ये बहुत मज़े का था। ये ड्राई वैसे खाने में बहुत मज़े का लग रहा था, और इसमें जब मैंने मिल्क ऐड किया था तब भी ये बहुत मज़े का लग रहा था। तो ये सारा मैं इसको देख रही हूँ, तो ये मुझे बहुत ही मज़े का लगा है। इसके जो पफ्ड राइस हैं और इसका सारा जो है ना वो बहुत ही मज़े के लगे हैं मुझे। अगेन इसमें भी ब्राउन शुगर और हनी है, तो थोड़ा सा जो है ना देखभाल के खाना पड़ेगा जिनको डायबिटीज़ का इशू है या जो शुगर नहीं लेते उनका, ठीक हो गया। और जिनको वीट एलर्जी है उनको भी देखना पड़ेगा, ये वीट एलर्जी और जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं है। या हो सकता है कि इसमें क्वांटिटी कम हो, वो तो हमें पेज वालों से पूछना पड़े। जब आप लें ऑर्डर करें तो फिर आपने उनसे पूछना ज़रूर है इस बात को, ठीक है। एक्सपायरी डेट सबके नीचे लिखी हुई है। अब ये हो गया। अब मैंने जो है ना जो कोकोनट और आलमंड वाला था वो मैंने उसको योगर्ट में मिक्स करके खाया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, ठीक हो गया। तो मैंने इसमें योगर्ट के साथ, अच्छा अगर आपने इसको खाना है तो आई थिंक नेस्ले योगर्ट के साथ आप खा सकते हैं, उसमें अच्छा लगेगा। प्लेन योगर्ट जो आपकी आती है ना बाज़ार वाली, वो भी अगर आपकी मीठी है ठंडी है तो फिर अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ जो है ना ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगना। तो मेरी जो है ना दही वो नॉर्मल थी और ठंडी तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल उसमें मुझे दही के साथ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा अब बात कर लेते हैं मिल्क की। मिल्क के साथ भी मुझे कोकोनट आलमंड ये ब्लू कलर वाला जो पैकेट है वो मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बेरी ब्लास्ट अच्छा लगा है, ठीक हो गया। ये मेरी जो बेरी ब्लास्ट अच्छा लगा है, और दूसरा मुझे जो है ना ग्रैनुला बार्स भी नॉर्मल लगे हैं। तो मैं अगर दोबारा से बाय करने की बात करूँ तो मैं बेरी ब्लास्ट को दोबारा बाय करूँगी, और मैं कुछ भी दोबारा बाय करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हाइप बहुत ज़्यादा उनकी क्रिएट की हुई होती है, लेकिन ना जब आप लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि यार ये क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन इसके मामले में ना मैं ना न्यूट्रा जो बार्स हैं उनको मैं 10 में से 8 पॉइंट्स दूँगी। बार्स को तो मैंने पॉइंटिंग कर दी है, और बेरी ब्लास्ट को मैं 10 out of 10 दूंगी, और वो जो है ना उसमें 10 में से 5 दूंगी मैं। तो ये था जी मेरा रिव्यू। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।